हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल चैनल। भाई दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने लगा आप जो इंट्रो टाइप से इस तरह का लव स्टोरी में लिरिक्स वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह का लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इंट्रो टाइप को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ पैसे लेने के लिए कुछ ऑप्शन दिखाई जाएगा, तो आप लोग ऊपर में एक आप लोग को प्लस का देखने को मिलता है। सिंपली आपको यहाँ से कट कर देने से, कट करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो आप लोग वीडियो का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। सिंपली ये वाले आप लोग को वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोग का फोटो का फाइल जो रहेगा दोस्तों यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी फोटो में एडिटिंग करना चाहते हो तो फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना है इस तरह से। चलिए मैं ये वाली फोटो को इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कोने में आप लोग को एक इनोवा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली ये वाले आप लोग को इनोवा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से 9:16 पे क्लिक करके इस तरह से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों फिर से फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। जितना भी आपने फोटो लगाना चाहते हैं इस तरह से फोटो लगा के उसके बाद इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। चलिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से एडजस्ट कर लेना दोस्तों। करने के बाद फिर से आप लोग को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को PIP का एक ऑप्शन मिल रहा है। ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को फिर से वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को यहाँ से एक लिरिक्स वीडियो एड कर लेना है। तो ये वाले लिरिक्स वीडियो का लिंक दोस्तों आप लोग को हमारे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये वाले लिरिक्स वीडियो आप लोग को डायरेक्टली यूज नहीं करना है। डायरेक्ट यूज अगर कर लेते हो तो आप लोग का जो कॉपीराइट आने का संभावना थोड़ा ज्यादा रहता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद उसके बाद आप लोग को फिर से PIP पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर लेना है। ये वाली तो ये वाली इसका मैं लिंक आप लोग को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद कुछ इस तरह से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद वीडियो का लेंथ आपका जितना भी रहेगा यहाँ से आप लोग इसको पूरा कर देना है। पूरा करने के बाद दोस्तों आप लोग को जिस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से आप लोग को PIP पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को फिर से वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को एक लिरिक्स वीडियो यहाँ से ऐड कर लेना है। इस तरह से ऐड कर लेना दोस्तों। ऐड करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली ये वाली तो आप लोग को ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ से कलर वाला ऑप्शन को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग को नीचे में कुछ इस तरह से आप लोग को लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों फिर से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आप लोग को PIP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को यहाँ से एक मैं दिल वाला इफेक्ट जो है एड करना पड़ेगा। सिंपली ये वाली भी आप लोग को हमारे रिसीव का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना, फिर से आप लोग को ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कुछ इस तरह से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग को इसको भी एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए वीडियो कैसी बनी हुई है एक बार मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारे वीडियो जो कैसी बनी हुई है। इसी की देख सकते हो दोस्तों हमारे वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप इस तरह से अगर आप अच्छे तरीके से एडिटिंग करते हो दोस्तों तो आपको जो वीडियो काफी ज्यादा थोड़ा अच्छा बन जाता है। ओके करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग इसको सेव कर लेना। सेव करने के लिए सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कोने में आप लोग सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ से इस तरह से सेव कर लेना। दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसे ली कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से बाय बाय।